थप्पड़ गर्ल प्रियदर्शनी नारायण अब कैब ड्राइवर के साथ भाई बहन का रिश्ता कायम करना चाहती है। रक्षाबंधन के मौके पर प्रियदर्शनी ने कैब चालक सादत अली से अपना विवाद खत्म करने के लिए उसे राखी बांधने की पहल की थी, लेकिन वो पहल सफल नहीं हो सकी। प्रियदर्शनी ने कहा कि वो भाई की तरह सादत अली की रक्षा करेंगी। इसके लिए उन्होंने कैब ड्राइवर को न्योता भी भेजा था। उन्होंने कहा कि अगर फिर रोड पर कोई ऐसा करता है तो वो कुछ नहीं कहेंगी, उसकी आरती उतारेंगी, लेकिन उसका ड्राइविंग लाइसेंस वो रख लेंगी। हालांकि कैब ड्राइवर सादत अली ने थप्पड़ गर्ल के भाई के आमंत्रण को ठुकरा दिया। कैब ड्राइवर ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने आरती उतारी है, ऐसे में वो किसी की बहन नहीं हो सकती। मैं उनको अपनी बहन नहीं बनाऊंगा, मैं अपना केस लड़ लूंगा, लेकिन पुलिस से मदद नहीं मिल रही है। वहीं लखनऊ की थप्पड़ गर्ल पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर का कहना है कि उन्हें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए कुछ भी वायरल हुआ उस पर तत्काल कार्रवाई की और उसकी सजा अब कोर्ट सुनाएगा। फिलहाल प्रियदर्शनी का सादत अली को भाई बनाने का सपना अधूरा रह गया। प्रियदर्शनी चाहती थी कि वो सादत अली को भाई बना ले और ये पूरा मामला कोर्ट के बाहर ही सुलट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।